अगर तुम कहो तो दिल्ली वाले क्लाइंट से एक मीटिंग कर लेते हैं। नहीं भाई साहब, जिस दिन की वो बात कर रहे हैं उस दिन हमारी दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स लाइन अप, उनमें से एक मैं अटेंड कर लूंगा। I'm sorry, मेरी वजह से आप लोगों को इतना स्ट्रेस लेना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक। बहुत भाग लिया अपनी जिम्मेदारियों से कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर अब और नहीं। एक रिश्ते की वजह से बाकी जिंदगियां खराब नहीं होने दूंगा मैं। भाभी ये लीजिए, ये ट्राई कीजिए, ये मैंने खुद बनाया है। सॉरी आप लोगों को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आएंगे ना तो पक्का मैं सारा खाना खुद बनाऊंगी। मुझे कचौड़ी खानी है। हाँ तो ठीक है, साफ को बोल दो बना लेंगे वो लोग, उसमें क्या है। चाचू मुझे वो दूसरे क्लाइंट्स की डिटेल्स दे दीजिए प्लीज, थोड़ा स्टडी कर लूंगा मीटिंग से पहले, एंड डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। और हाँ, ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों को पिक करूंगा, तीनों साथ में वो मूवी जाएंगे सुपर हीरो वाली। ओके अपने दुख की वजह से आप लोगों की लाइफ अफेक्ट नहीं होने दे सकता मैं। पिछले 2 सालों में बहुत परेशानी हुई है आप सबको मेरी वजह से, अब और नहीं। कार्तिक, हाँ ये नहीं लिया ना, ये खाओ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एक मिनट, किसका फोन है, जरूरी है क्या, बाद में बात कर लेना। वो मिस्टर पिंटो है, एक्चुअली यहाँ आते वक्त उनसे बात नहीं हो पाई, बात कर लेता वरना रह जाएगा। आप लोग ऐसे ही सोच रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा रिलैक्स्ड है। 2 साल से जो तलवार लटक रही थी उसका फैसला हो गया, अब कम से कम शांति हुई मन को। ये तूफान जाने के बाद की शांति है या तूफान के आने से पहले की, ये तो वक्त ही बताएगा। Thank you.
दीदी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के लिए मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल जगह है। एक डेढ़ साल जो मैंने यहाँ बिताए मैंने कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब यहाँ आई थी तो बहुत परेशान थी, पर धीरे धीरे वो परेशानी खत्म होती गई और मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं करोगी ना, आई मीन मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। क्लास के सामने आंटी बोला, पूरे कॉलेज के सामने एम्बैरेस किया, मतलब मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। इट्स ओके कुणाल, वो सब बातें याद करने का अब कोई मतलब नहीं। यू आर राइट, चलो एक प्रूफ सेल्फी लेते हैं। अकेले कैसे मैनेज करेगी ना हर कॉलेज, लेकिन मुझे क्यों, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा। कीर्ति को भी कॉल कर दिया था, वो तो अच्छा फोन कट गया, वरना क्या कहता उससे। एक तरफ तो डिवोर्स ले रहे और दूसरी तरफ ही शर्मा जी डिवोर्स लॉयर है, हमने हायर किया उन्हें, तुम्हें भी कॉल करेंगे देख लेना। अच्छा तुमने हायर किया कोई लॉयर अभी? नहीं, जब होगा तो बता देंगे। नहीं कुछ नहीं, रखता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम वहां मुंबई में अकेली कैसे? मेरा मतलब अब पापा भी वापस उदयपुर आ गए तो हाँ वहां पर मिस्टर पिंटू है, कुणाल तन्वी है, पर फिर भी ना है। हेलो कॉल कर रहा हूँ, वह आवाज स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करो। लोकल कॉल कैसे रखा मैं? मुंबई में नहीं कहीं उदयपुर में तो मुझे किसी ने कुछ, कल रात तक तो वही थी।
पता नहीं क्या अलग होना है, पर मन नहीं मान रहा बीवी। सबको लगता है कि मैंने मैंने ये किसी ईगो में आके किया, पर आपको तो पता है ना कि सच क्या है। मेरी वजह से कार्तिक को कोई परेशानी हो, कार्तिक और माँ के रिश्ते में कोई दूरी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत सालों बाद माँ बेटे एक हुए, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकती। जो खुद अपनी माँ से इतने सालों दूर रहा, समझ सकता है कितना मुश्किल होता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आप ही बताइए मम्मा, मैंने सही किया या गलत? नियत से लिया कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता, और गलत नियत से कभी अच्छे फैसले नहीं लिए जा सकते। आज मैंने एक बहुत जरूरी बात सीखी है, लाइफ में जब भी कंफ्यूजन बढ़ जाए और कुछ समझ ना आए, तो आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखना और अपनी धड़कन में अपने सवालों के जवाब ढूंढना, जरूर मिलेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।